आए और बताए कि सूरज जी। हाँ, मैं सूरज गिरी के बारे में क्या कहूँ। यूथ में जितने डायरेक्टर आए हैं काफ़ी एनर्जेटिक डायरेक्टर हैं, ये कोशिश करते हैं कि कुछ नया करें। तो इसमें एक शंख वाला एक मैटर है, हम लोग क्लाइमैक्स में जब फाइट कर रहे थे तो उन्होंने अचानक एक शंख वाली फ़ाइट भी इंक्लूड किया। मुझे आकर के बताया कि भैया एक ऐसा ऐसा थॉट है, अगर हम शंख को लेकर के आएँ और शंख के द्वारा अगर आप मारें। तो मुझे एक सोच अच्छी लगी कि कुछ नया सोचने की कोशिश की है निर्देशक सूरज गिरी ने, वरना भोजपुरी तो अपने रूटीन ढर्रे पर चलती रहती है। बट मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के कि यंग में जितने भी डायरेक्टर आ रहे हैं, जितने भी नए नए डायरेक्टर आ रहे हैं, वो कुछ नया करने की कोशिश को लेकर के आ रहे हैं। और जब नया होने लगता है तो बदलाव आना शुरू होता है, और जब बदलाव आता है तो कोई भी इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू करती है, और इन दिनों इंडस्ट्री हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। हाँ, थिएटर की हालत ज़रूर खस्ता है थोड़ी, उसकी वजह यह है कि आज हमारी फिल्में सैटेलाइट पे, एक वक्त था कि पूरी भोजपुरी के दर्शक सिर्फ 13 लाख थे। एक सर्वे के अनुसार सिर्फ 13 लाख लोग भोजपुरी फिल्में देखते थे। वो 13 लाख लोगों ने 8-8 करोड़ रुपए का व्यापार कराया। भोजपुरी ससुरा बड़ा पैसा वाला 30-32 लाख की बनी फिल्म करीब ऑल ओवर इंडिया में 7-8 करोड़ का व्यापार किया, उसको सिर्फ 13 लाख लोगों ने देखा था, ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा। धीरे 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 वो 13 लाख कम होते चले गए, अश्लीलता की वजह से हुए या डबल मीनिंग डायलॉग्स की वजह से हुए या जो कुछ भी हो, लहंगा चोली ढोंढी देख देख करके बोर हो गए उसकी वजह से हुए, राम जाने। बट आज की स्थिति ये है कि आज टीवी के माध्यम से करीब करीब 10 करोड़ लोग देख रहे हैं सिनेमा। 10 करोड़ 13 लाख से ज़्यादा 10 करोड़ लोग देखना शुरू कर दिए हैं भोजपुरी फिल्मों को। मैं मध्य प्रदेश में अभी अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, मध्य प्रदेश के इंदौर में आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आते थे। बोले आपका वो बिटिया छठमाई के देखा भैया, आपका एक राजा जो 3-3 ठो महरारू रखे हो, बहुत अच्छा फिल्म है। मतलब मध्य प्रदेश में हमारी फिल्में देखी जा रही। इंदौर की बात बता रहा हूँ, मैं रवि सिन्हा जी की एक फिल्म का शूट करने गया था, तो हमारी फिल्म सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार तक नहीं है, इंदौर में जा चुकी है, पंजाब के गली गली में हमारी फिल्में आज के डेट में देखी जा रही हैं। तो ये कैसे थिएटर के माध्यम से नहीं पॉसिबल हुआ, थिएटर में इंदौर में फिल्में नहीं लगती, ये सिर्फ सैटेलाइट पे डिजिटल मीडिया की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। तो आज सिनेमा बहुत अच्छे दौर से गुजर रहा है। सिनेमा में जो लोग डिजिटल पे देख रहे हैं वो थिएटर भी जाते, अगर हमारे थिएटर की हालत अच्छी होती, थिएटर उस लायक होते कि मैं परिवार के साथ जाऊँ। अगर अभी निकू हैं, मैं निकू को बोलूँ कि चलो आज आपको एक फिल्म दिखाता हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा कि सिंगल स्क्रीन है, थिएटरों की अच्छी हालत नहीं है, वहाँ पर पान खाकर इसे खा रहे हैं धीरे से देखूँ ऐसा करके, और सिनेमा देखेंगे ताली बजाएंगे निकल जाएंगे। वो गंदगी की वजह से मैं अपने परिवार को लेकर के नहीं जाऊँगा। अगर वही फिल्में हमारी गवर्नमेंट इसके लिए थोड़ा सा सपोर्टिव हो जाए, हमारे बड़े लोग जो भोजपुरी को आगे बढ़ाने वाले लोग सपोर्टिव हो जाएं और सिंगल स्क्रीन थिएटर भोजपुरी के लिए अवेलेबल मल्टीप्लेक्सेस अवेलेबल करा दें कम दामों, क्योंकि हमारे जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो सब्ज़ी बेचने वाले हैं, वो 200 रुपये का 250 रुपये का टिकट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि इंटरटेनमेंट को ध्यान में रख करके रीजनल भाषा की फिल्म होने की वजह से अगर हमारी फिल्में इन्फिनिटी में एक थिएटर मिल जाए, पीवीआर में मिल जाए, और उसको गवर्नमेंट उसके लिए काम करे कि भैया इंटरटेनमेंट टैक्स हम भी देते हैं, सब लोग देते हैं, उस फिल्म को जैसे हम नवरंग सिनेमा में जाते हैं, थिएटर की स्थिति नहीं अच्छी है, बाकी नहीं अच्छी, अगर हम वही चीज़ें पीवीआर में, मान लीजिए 100 रुपये का टिकट रखते हैं, तो जो भोजपुरी के दर्शक हैं वो जिस दिन पीवीआर में जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि 100 रुपये में अगर जा रहे हैं तो मिलेगा, अगर वो सिनेमैक्स में जाना शुरू कर दें, वो फन रिपब्लिक में जाना शुरू कर दें, तो वो दिन दूर नहीं है कि भोजपुरी 20-20 करोड़ का बिजनेस करना शुरू कर देगी। ये सरकार से अपील है कि भोजपुरी के ऊपर ध्यान दें। मैं पहले भी कंफर्टेबल था, अब मतलब पहले लगता था कि एक को स्टार के साथ काम कर रहे हैं, अब नहीं लगता है कि को स्टार के साथ काम कर रहे हैं, इतना ही फर्क आया। बाकी डांस वांस सिखाते रहते मुझे, अरे आप ऐसे नहीं ऐसे करो, अच्छा ठीक है, जो मेरे अंदर कमियां होती हैं उसको मैं आज भी सीख रहा हूँ, हमेशा से सीखता आया हूँ, आगे भी कोई मेरा पोस्टर आएगा और सिखाएगा कि आपको ये ऐसा ऐसा करना चाहिए, और मुझे लगेगा कि नहीं इनकी राय वाजिब है, लेनी चाहिए, तो हर किसी के सलाह की, हर किसी के राय का स्वागत है। यश कुमार की जिंदगी कह तो दिया ही इन्होंने, यस सच बात है कि जब हमने पहली फिल्म की थी वहाँ से ही हम अच्छे दोस्त बन गए थे, और अभी ऐसा है कि हम बहुत अच्छे दोस्त, मीन्स
एक हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो हमें नहीं लगता है कि हमें कुछ भी चीज़ों के लिए सोचना पड़ेगा या एक दूसरे से किसी चीज़ को लेके एक नेगेटिविटी जिसे कहते हैं वो आ सकती है या एक दुश्मनी हो सकता है, वो तो मुझे नहीं लगता अब हो सकता है, बिकॉज बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों के बीच में, बहुत अच्छे समझते हैं एक दूसरे को, सो आई फील बहुत अच्छा रिलेशन बन गया है हमारा। होली आने वाला है, क्या शुभकामनाएं देंगे आप होली के मौके पर? देखो मैं तो होली में नहीं हूँ, अच्छे से होली खेलना, ज्यादा कलर वाला चेहरे पे मत डालना। नहीं, मैं कलर नहीं, मैं तो लोगों से जो हमारा दूसरा परिवार से है उनसे बस यही निवेदन करूंगी कि हो सके तो आप कलर को अवॉइड करें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करें भाई, सब सुनो मैं चुप रहिए, एक सेकंड मैं बता रही हूँ, कलर को अवॉइड इसके लिए करें क्योंकि हम इंसान पे तो कलर लग जाता है लेकिन जब जानवरों पे कलर गिरता है तो वो कुछ नहीं कर पाते और वो बीमार का शिकार हो जाता है, उसकी वजह से उन्हें अपनी लाइफ को खोना पड़ता है। हम इंसान बोल सकते हैं, हम इंसान धो सकते हैं लेकिन जानवर कलर्स नहीं धो सकते हैं, सो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उस तरीके से कलर ना खेलें जिससे दूसरे को तकलीफ हो या उनको कुछ भी वे में तकलीफ हो या कुछ भी ऐसा हो। बहुत सारे, एंड पानी बचाएं। नहीं, कोई भी पानी मत बचाओ भाई साहब, ये बकवासों से बाहर निकलो आप लोग, साल का एक त्योहार आता है, खुल के जियो, ये हिंदू पर्व। अभी मैंने बोला कि हम दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हो सकता लेकिन अब ऐसा लगता है झगड़ा हो सकता है। सुनो मेरी बात, सुनो आप, ऐसा है कि ये मैं अक्सर देखता हूँ होली का त्यौहार जैसे आता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बॉलीवुड के ये वो सब लोग पानी बचाओ, क्यों बचाओ भैया, साल भर आपने पानी, हम बाथरूम में जाएं तो 10 बाल्टी पानी से नहा लें, जार खोल करके हम नहाए जा रहे हैं, उस समय हमको सोचना चाहिए कि हमको 2 बाल्टी पानी से नहाना, 8 बाल्टी पानी किसी दूसरे के लिए बचाना जो चौल में रहते हैं, जो यहाँ रहते हैं, जो वहाँ रहते हैं, उस समय जैसे मैं 1 बाल्टी पानी ज़्यादा में नहीं नहाता हूँ और मैं देखे साफ सुथरा हूँ, जरूरी है कि नहाने के लिए 10 बाल्टी पानी नुकसान करो, नहीं। वैसे भी वैज्ञानिकों का रिसर्च है ये कि 40 साल बाद पृथ्वी पर पानी नहीं रहेगा, तो आज से बचाना शुरू कीजिए आप। खाली आपको होली दिखता है कि होली के दिन पानी बचाना है? कम ऑन दोस्तों, व्हाट अबाउट कलर्स? खुल के सुनो, खूब खेलो, इतना खेलो कि आप साल भर वो अपनी होली याद रखो। होली एक ऐसा त्यौहार है कि उस दिन सारी दुश्मनी भूल करके लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं, तो पानी मत बचाओ, कुछ मत बचाओ, जम के खेलो। सिर्फ एक चीज़ याद रखो कि आपकी वजह से कभी किसी को कोई तकलीफ ना। अगर कोई आपसे बोलता है कि मुझे रंग से एलर्जी है, आप मुझे अबीर लगा लो, तो आप उसके ऊपर कलर मत डालो, अबीर लगा लो। जैसे हम लोग गांव में खेलते थे, नादानियाँ थी, हम लोग उठा करके पेंट लगा देते चेहरे पे, उस पेंट को छुड़ाने के लिए घासलेट मिट्टी का तेल लगाना पड़ता था, ये बड़े बड़े दाने आ जाते थे, वो सारी चीज़ों से बचिए। रंग जिसको नहीं सूट करता उसके ऊपर भर के अबीर डालिए, गुलाल डालिए, खेलिए। सबसे पहले महादेव के साथ खेलिए, अपने मम्मी पापा को प्यार से उनके माथे पर पैर पर लगा करके, दोस्तों को जितना पाओ रगड़ रगड़ के लगाओ। जब खा लिया है मैंने, पिछले साल ही भांग खाया और वो मेरा, मैंने जैसे कपिल के शो में भी बताया था कि मुझे बहुत शौक था भांग खाने का, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था लेकिन किससे बहुत सारे सुने थे, तो मैंने अपने मामा को ही कहा, पिछले साल की ही बात है, कि मुझे भांग खाना, तो उन्होंने चोरी से मुझे भांग खिलाया एंड आई फील वो मेरे लिए वर्स्ट डे होगा, बिकॉज भांग खाने के बाद भूख तो लगी। हम पूरा परिवार बाहर गए थे घूमने, तो सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं और मैं ऐसे ही एक चेयर पे लेटी हुई थी बीच साइड समय एंड मुझे धूप लग रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास था छोटा सा टॉवल, इतना छोटा ही, बट मुझे लगा बड़ा सा टॉवल, तो मैं उसको ऐसे लेके बस इतना ढक लिया, मुझे लगा पूरा बॉडी मेरी ढक गई है और फिर मैं खाना मांग रही, खाना दे दो, तो मेरी ये हालत हुई थी। मैंने बहुत उस दिन खाया और फिर कसम खा लिया कि आज के बाद से मैं भांग नहीं खाऊंगी। भांग की इतनी बढ़िया है, बहुत अच्छी याद है। निर्माता, उनके बारे में क्या कहेंगे, लास्ट सवाल है। फिल्म के निर्माता इसके यशराज हैं और राकेश भैया हैं, बबलू जी, जिनको हम लोग प्यार से बबलू भैया कहते हैं। ये दोनों लोगों ने फिल्म का, आपने सेट देखा होगा, फिल्म के ऊपर जो चीज़ें हुई, मतलब किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आज एक सिनेमा सही मायने में कहें तो नाजुक दौर से भी गुजर रहा है और बहुत सुनहरे दौर से भी गुज़र रहा है। एक नाजुक दौर से इसलिए गुज़र रहा है कि कुछ लोगों ने सिर्फ नज़र में रख करके सैटेलाइट को फिल्में बनानी शुरू कर दी हैं और कुछ लोगों ने जो सैटेलाइट को नज़र में रख करके बना रहे हैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। उनको है कि इतने बजट में फिल्म कंप्लीट कर लो, डजन मैटर कि ये दीवार का एक कोना पकड़ करके आप 4-4-5-5 सीन छाप दो। तो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ बबलू जी जैसे लोग, यशराज जैसे लोग हैं जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, जो किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उनको लगता है कि नहीं, सिनेमा से बढ़कर कुछ नहीं होता है, तो किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए सिनेमा को एक बड़े कैनवास पर बना रहे हैं, तो ये निसंदेह ये लोग बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। दो मिनट हम लोग दीजिएगा, दोनों के बारे में क्या कहेंगे?
मैंने बताया आपको ये आप लोगों के सामने हैं, देखिए दाढ़ी बढ़ा करके एकदम बाबाओं वाले वैसे, मतलब ये बोल दिए थे कि जब तक मैं शूटिंग अच्छे से कंप्लीट नहीं कर लूँ, फर्स्ट लुक आउट नहीं कर लूँ, तब तक दाढ़ी नहीं बनाऊँगा। ये है निर्देशक सूरज गिरी, पैशनेट डायरेक्टर हैं, कुछ नया करने की कोशिश है इनकी। शंकर का जब फर्स्ट लुक इन्होंने आउट किया है तो उसका टाइटल देखिए, बहुत खूबसूरत टाइटल को इन्होंने सजाया है। पहले ये एक लंबा सफ़र तय करके आज डायरेक्टर बने हैं, पहले ये स्टिल फोटोग्राफर थे, पेंटिंग बहुत अच्छा बनाते हैं, स्केच पेंटर, हाँ स्केच पेंटर हैं और कमाल की पेंटिंग बनाते हैं। मतलब मैं खुद ही चाहता हूँ कि इन फ्यूचर जब मैं अपने बेडरूम में बड़ा सा मेरा पेंटिंग लगाना होगा तो मैं ये काम इनको ही सौंपूंगा। मैं अभी खुद सोच रही थी कि मैं बोलूंगी आप मेरा एक स्केच बनाइए। हाँ, तो उस तरीके से देखिए, वहाँ से करते 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 एक लंबा सफ़र तय किया इन्होंने और भोजपुरी में एक फिल्म बनाई और अपनी कलाकारी, अपने अपना टैलेंट, अपना हुनर इन्होंने अपने पहले पोस्टर में दिखाया। अगर आप शंकर फिल्म का, जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं शंकर का डिज़ाइन, वो लोग गूगल पर भी अब डालेंगे भोजपुरी फिल्म शंकर तो पोस्टर आ जाता है मेरे, यश कुमार एंटरटेनमेंट पे, सूरज गिरी पे, यश एन राज एंटरटेनमेंट जो है वो सारी चीज़ें आप देखेंगे, निधि झा जी के फैन पेज पे जाके देखेंगे जहाँ पे भी, तो शंकर का आपको पोस्टर दिखेगा। उसका टाइटल देखिए कितना खूबसूरत बनाया है इन्होंने, पोस्टर कितना खूबसूरत बनाया है। तो काफ़ी जिम्मेदारी लेकर के अपने कंधे पर चल रहे हैं निर्देशक सूरज गिरी और मेरी शुभकामनाएँ हैं कि जिस जोश के साथ इन्होंने इस फिल्म को बनाया है उसी जोश के साथ दर्शक भी जाए देखने। फिर हमारे सामने हैं मेरे ही नाम के यश बाबू हैं, ये फिल्म के निर्माता हैं। तो क्या कहूँ इनके बारे में, मतलब जहाँ पे मैंने कहा ना भोजपुरी इस समय एक अच्छे भी दौर से गुजर रही है, नाजुक दौर से भी गुजर रही है। नाजुक दौर इनके सामने है कि नाजुक दौर से इस समय गुजर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़े कैनवास पे इतना बड़ा खर्चा करके लोग फिल्म बना रहे हैं तो बधाई के पात्र हैं। बाकी मैं चाहूँगा कि आप लोग इनकी सुमधुर आवाज़ में लोगों से भी कुछ सवाल पूछें। सूरज जी बताइए कुछ फिल्म के बारे में अपने शब्दों में। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार मेरा, और फिल्म के बारे में जैसा कि आपने सुना कि यश भैया ने बताया, मैडम ने बताया कि फिल्म एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बल्गरिटी से दूर है, कोई हम लोगों ने कटोरी डोरी नहीं दिखाया फिल्म में, तो हम चाहें कि कुछ अच्छा फिल्म बने। जैसे कि मैंने बहुत सारी प्रयास करने के बाद, इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल करने के बाद मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि फिल्म मेरा लोग पब्लिक इसको प्यार दुलार ना दे, मैं यही चाहता हूँ कि सबका प्यार दुलार आशीर्वाद मिले मेरे को कि मैं आगे भी ऐसी चीज़ें कुछ अच्छी बनाते चलूँ। जैसे कि मैंने टाइटल पे, जैसे भैया बता रहे थे कि आप लोग फिल्म के पोस्टर पे एक देखेंगे, उसमें मैंने टैग लाइन डाला, टैग का मतलब है कि जिसके रोम रोम में शिव है विश्व वहीं पिया करता है, जमाना शंकर को क्या जलाएगा जो श्रृंगार अंगार से किया करता है। बड़ी अच्छी टैग, और हमारे ट्रेलर में भी आपको सुनने को मिलेगा। फिल्म की जो कहानी है एक फैमिली ड्रामा से है, कोई वल्गैरिटी से दूर दूर तक इसको लेना देना नहीं है, एक्शन ड्रामा है, फिल्म अच्छी बनी है। जहाँ तक हम लोग का सवाल है, तन तेज बोलो, पैसा लगा लो, बड़ा चुकर के बोला तरह लगा ना। हाँ, सेट पे भी ऐसे परेशान करते हैं आप? नहीं सेट पे हम लोगों ने काफी एक फैमिली की तरह हम लोगों ने किया, मतलब नहीं उनका परेशान करने का ही मतलब है किसी तरीके से शरारत, इस शरारत बोल रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ शरारत नहीं हुई हमारे फिल्म सेट पे, एक हंसते खेलते हुए पता ही नहीं चला कि कब हम लोगों ने मूवी कम्प्लीट कर लिया। जिस दिन स्टार्ट हुआ एंड हुआ किसी को पता ही नहीं था कि हम लोग एंड कर रहे हैं मूवी का, ऐसे हंसते खेलते हुए पूरी मूवी निकल गई। आपकी ये पहली फिल्म है जिसको आपने हंसते खेलते पूरी की है, हमारी दुआएं आपके साथ है कि आप दो दर्जन फिल्म कम से कम एक निर्माता के रूप में करें और दूसरे दर्जन मतलब 24वीं फिल्म करें तो खिलखिलाते हुए करें। अभी मुस्कुरा रहे हैं आप ना, उसमें खिलखिलाते हुए संपन्न करें। आप लोग का साथ रहा तो जरूर होगा। आप कुछ कहेंगे अपने डायरेक्टर? देखिए सारी चीज़ें तो उन्होंने बता ही दिया, बट यह सच बात है कि सूरज जी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर के साथ साथ बहुत क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, उनके दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ चलते रहता है। इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हमें सुनाया है, हर चीज़ में सीन से लेके गाने तक जो भी होता था, या सेट पे भी हम एक एक सीन करते थे तो उसमें भी इनका क्रिएटिविटी चीज़ें दिखती थी कि हम नहीं ऐसा इससे अच्छा कर सकते, ऐसा कर सकते वैसा, और बहुत ही काम डायरेक्टर है। अगर हमें लगता था कि नहीं हम ऐसा कुछ कर सकते थे तो वो भी हमें सपोर्ट करते, ऐसा नहीं होता था इनके हिसाब से कि इन्हें जो चाहते या इनके हिसाब से जैसा इन्होंने राइटिंग किया है वही वर्ड टू वर्ड हम करें। सो यस, बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही काम डायरेक्टर है, एंड आई होप एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट कि आगे भी आप जितनी फिल्में करें
जिनके साथ भी करें इससे अच्छे से अच्छा आप करते रहें और सारे लोग आपका ऐसे ही सपोर्ट करें बिकॉज आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और रही बात यश जी की, सो यस, मैं भी उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि ऐसे बहुत कम प्रोड्यूसर होते हैं जो बहुत ही शांत होते हैं। टेंशन तो होता ही है लेकिन हमें ऐसा फील नहीं होने देते हैं कि उनका बजट बढ़ रहा है या उनका डे बढ़ रहा है। वो अपने फिल्म के साथ, अपने सीन्स के साथ उन्होंने एक सीन में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और यही एक्टर को चाहिए रहता है कि हम भी कोई भी सीन करें तो हमें ऐसा ना लगे कि कॉम्प्रोमाइज़ करके या ज़बरदस्ती सीन ख़त्म किया जा रहा है। सो मैं इनका भी शुक्रगुजार करना चाहूँगी एंड मैं यही कहूँगी कि आपको भी ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अभी जो भी बजट में आप फिल्म बना रहे हैं उससे डबल ट्रिपल बजट में फिल्म बनाए और वो सुपर डुपर हिट तो हुई। बिकॉज क्या होता है, अगर कोई भी सेट पे पॉजिटिविटी होती है तो फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता और डायरेक्टर प्रोड्यूसर को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सो यस, इस माहौल का, इस पूरे टीम, जो हमारी टीम है बहुत पॉजिटिव टीम है, हीरो हों, डायरेक्टर हों या प्रोड्यूसर हों, सबके साथ बहुत मज़ा आया एंड यही कहूँगी कि ऐसे ही बनाते रहिए फिल्में, हम करें ना करें, हम रहे ना रहे, और हीरोइनों के साथ काम कीजिए और अच्छी अच्छी फिल्में बनाइए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले गाने के बारे में बताइए, किस तरह का गाना है ये? गाना एकदम मस्त, एकदम डांसिंग वाला गाना था और रोमांटिक मूड का था। जैसे आप लोगों ने मेरा एक गाना बहुत हिट किए थे, पलंगिया रात भर सोने ना दिया, उस मूड का गाना था आज। और बहुत अच्छा पिक्चराइज किए गाने और यश को बहुत नचा है और निधि तो बहुत अच्छी डांसर है, आप लोग जानते ही हैं। प्लीज़ इस गाने को भी यूट्यूब में एकदम 200-300 मिलियन क्रॉस करा दीजिएगा जी। सर, और कौन कौन से फिल्मों के गाने आपके आने वाले हैं जिससे आपको उम्मीद है कि बहुत चलेगा गाना, बहुत मिलियंस व्यूज आएंगे, बहुत दर्शक पसंद करेंगे? अभी मेरा एक फिल्म रिलीज हुआ है यारा तेरी यारी, उसमें बहुत बम्पर गाना हिट हुआ है, पलंग करे फाइट, चला हनीमून, बहुत धमाके, मतलब झारखंड और बिहार में खूब हिट चल रहा है गाना और बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, उसके लिए भी तहे दिल से थैंक यू। अखिल जी की फिल्मों में भी आपके काफी सारे गाने आने वाले हैं तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बहुत सारे गाने हैं इस साल में, कम से कम नहीं तो भी 450 सॉन्ग्स आएंगे मेरे। और इस साल होली मेरा रिलीज़ हुआ है दिनेश और अमरपाली के साथ, और परवेश और अमरपाली के साथ, शुभी और अमरपाली के साथ। तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हिट कीजिएगा जी। आपके क्या प्लानिंग है होली के लिए, होली कैसे सेलिब्रेट करने वाले सर आप? होली करेंगे लाइव आके सबके साथ, जितने फैंस हैं, जितने परिवार के हैं, सबके साथ। उस दिन ना शूटिंग होगी ना कुछ, उस दिन सिर्फ होली होली होगी, धमाल होगी जी। सर, आप फिल्म से जुड़े हुए हैं, फिल्म के बारे में कुछ बताइए हमें। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार, मैं राज कपूर शाही, और फिल्म का टाइटल तो आपको पता ही है, शंकर है। और सबसे खास बात है इस फिल्म का कि जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं काफ़ी यंग हैं और बहुत ही मेहनती और बहुत ही ईमानदार हैं। और इस फिल्म में जो हीरो हैं यश मिश्रा जी, वो भी काफ़ी टैलेंटेड है और वो सिनेमा को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना भी उनका सिनेमा, सब एक अच्छे ढंग का होता है जिसमें अश्लीलता वगैरह बिल्कुल नहीं होती है, ज़्यादातर कोशिश करते हैं वो। और ये फिल्म भी वैसी ही एक साफ़ सुथरी फिल्म है जो परिवार के साथ लोग देख सकते हैं, तो मुझे खुशी इस बात की कि इस फिल्म का मैं हिस्सा बनाऊँ। सर, जैसे कि निधि तो बहुत अच्छी डांसर है लेकिन यश जी पे कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? नहीं, यश भी अच्छा डांसर है लेकिन यश के साथ मेरा 4-5 मूवी हुआ है, इस मूवी में मैंने ज़्यादा नचाया है, हीरो गमछा वाला से लेके रुद्रा से लेके। और इस साल रिलीज हुई थी परवरिश, परवरिश में भी डांस कराया था। अभी हम लोग एक फिल्म करके आए, दामाद जी किराए पर हैं, वंडरफुल स्क्रिप्ट, वंडरफुल परफॉर्मेंस यश का, और आप लोग प्लीज़ वो फिल्म थिएटर में देखिएगा, दामाद जी किराए पर हैं। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को लव यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी होली। सबसे पहले सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूँ त्रिशा खान। और कॉस्ट्यूम लेके ये बोलूँगी, कॉस्ट्यूम मैंने देखा ही नहीं था, अभी आके देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। दूसरे शूटिंग में देख लेती हूँ पहले से, बट यहाँ पे देखा नहीं था, बट एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना फिटिंग अच्छा आएगा एंड अच्छा गॉर्जियस लगेगा। सो आई एम क्वाइट हैप्पी विथ माई ड्रेस कॉस्ट्यूम।
फिल्म के लिए आप शूट कर रही हैं, उस फिल्म के बारे में बताइए। इस फिल्म का नाम है शंकर, जिसमें यश मिश्रा जी हीरो है। और इस फिल्म में एक मैं स्पेशल सॉन्ग कर रही हूँ, गेस्ट अपीयरेंस, उसी का शूट होने वाली है। सो बस एक गाना कर दूँगा जी। फिल्म के डायरेक्टर सूरज जी के बारे में क्या कहेंगे? फिल्म के डायरेक्टर के साथ तो हमने अभी तक काम नहीं किया है, अभी उनके साथ पहली बार काम कर रही हूँ, तो जितना मैंने सुना है कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने फिल्म बनाया है। और फिल्म अबाउट टू मतलब लास्ट स्टेज है, बस फिनिश होने वाली है। सो मेरे तरफ से पूरे एंटायर टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं है एंड गुड लक। अभी मेरी हाल ही में फिल्म रिलीज़ हुई थी एक नक्सली पे लाल, जो कि 7 फरवरी को रिलीज़ हुई थी, एंड उसके बाद 14 फरवरी को मुकद्दर का सिकंदर रिलीज़ हुई थी। देन अभी आने वाली फिल्म में आँख में चोली और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रही हैं, और इस ये भी फिल्म है जिसमें एक अलग ही रूप में दर्शकों को देखने मिलेगा। आई होप बहुत अच्छे हैं, कोई चीज़ में कमी नहीं करते हैं, बस दिल खोल के खर्चा करते हैं एंड जो भी नीड्स होती है वो सब फुलफिल करते हैं, और बहुत अच्छा करते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि एक बेहतर फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं वो हमेशा, और उनका सोच बहुत अच्छा है फिल्म को लेके। अभी अभी हम लोगों ने एक आत्मी चोली का टाइटल सॉन्ग किया था, जिसमें रामदेवन मास्टर जी ने काम किया था, तो वो मेरा पहला काम था उनके साथ और ये सेकंड है। तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे अच्छा लगा, मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ उनका काम से, एंड ही इज़ अ वेरी गुड कोरियोग्राफर, ही इज़ अ ग्रेट कोरियोग्राफर ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री, एंड आई लाइक हर मतलब हिज कोरियोग्राफी। आपको लगता है जो गाने आपके जी, आई होप कि जैसे वो हर गाने पे मिलियंस व्यूज उनका आता है, मेरा भी गाना कुछ मिलियंस हो जाए तो और हिट हो जाए, बस यही मैं विश करती हूँ। सभी दर्शकों को त्रिशा खान के तरफ से इन एडवांस होली, आप लोग होली खेलें, बस थोड़ा सा बच के खेलिएगा कि किसी को कोई नुकसान ना हो, और एंजॉय कीजिए होली, खेलिए अच्छे कलर से खेलिए जिससे कोई इन्फेक्शन ना हो, एलर्जी ना हो, एंड एंजॉय योर होली एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कहना तो चाहूँगा, मैं सबसे पहले सूरज जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अब कम्प्लीटली फिल्म आज ये कम्प्लीट हो रही है, क्योंकि अभी जितने भी सीन बचे हुए थे आज वो कंप्लीट हो गए, एक गाना बचा हुआ वो भी रिसेंटली अब कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने पूरी फिल्म कंप्लीट कर ली। आप फिल्म में यश जी है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब भैया के बारे में जितना कहूँ कम है, ज़्यादा कुछ तो कह ही नहीं सकता हूँ मैं। आपका क्या किरदार है, अपने किरदार के बारे में बताइए। किरदार इसमें है शाही जी का बेटा बना हूँ मैं, और अच्छा रोल है डेफिनेटली, ज़्यादा काफ़ी टाइम हो गया इसलिए रोल से भी थोड़ा इधर उधर हो गया हूँ, याद भी नहीं है थोड़ा बहुत मुझे, तो जितना याद है बस। और तो आपके साथ नर्वस हो रहे हो शूट हो रही है शंकर, सबसे पहले फिल्म के बारे में कुछ बताइए। फिल्म के बारे में मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई गई है, काफ़ी भैया का किरदार बहुत ज़बरदस्त है, इसमें मेरा भी किरदार बहुत अच्छा है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हर फिल्म में विलन विलन विलन, तो इसमें भी विलन है, इसमें शाही जी का मैं छोटा बेटा बना हूँ, कहानी घुमा फिरा के मेरे ऊपर से बहुत निकली है, तो बहुत अच्छी फिल्म है। और सूरज जी को बधाई दूंगा मैं कि फाइनली ये फिल्म कम्प्लीट हो गई, कुछ गाने बचे होते आज वो गाने भी कम्प्लीट हो जाएंगे, एक आइटम सॉन्ग बचा था जिसमें हम लोग की सारी एंट्री है आज, उस आइटम सॉन्ग की वजह से हम लोग जुटे हुए हैं यहाँ पर, अभी थोड़ी देर में वो चालू होने वाला है, तो मैं सूरज जी को बधाई दूंगा जी। यश जी है फिल्म में आपकी, काफ़ी सारी फिल्में यश जी के साथ आई है, उनके साथ इस फिल्म में कैसी केमिस्ट्री आप दोनों की? बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही, भैया के साथ काम करने का मज़ा ही अलग है,
क्योंकि भैया के साथ काम करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। बाकी जितना भी सीखा है उन्हीं से सीखा है, और आगे भी मैं चाहूँगा कि मैं भाई के साथ काम करूँ, क्योंकि उनके साथ जितना भी मैं काम किया हूँ कुछ अच्छा ही रहा है। आने वाली 3-4 फिल्में हैं, जैसे अभी रिसेंटली एक फिल्म हमारी कंप्लीट हुई है, होम प्रोडक्शन की है, यश कुमार एंटरटेनमेंट, कसम पैदा करने वाली पार्ट 2, उसकी भी एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, डबिंग चालू हो गई है। तो आने वाली फिल्म कसम पैदा करने वाली पार्ट 2 है, धड़ाड़ 2 है, और भी कुछ फिल्में हैं जो रिसेंटली, अभी नाम तो पता नहीं है मुझे, ध्यान में नहीं आ रहे, लेकिन हैं बहुत सी फिल्में। होली आने वाला है, क्या होली की प्लानिंग से आपकी? होली की प्लानिंग बहुत अच्छी है, मैं लेकिन ये कहूँगा कि ध्यान से, होली है तो आजकल कुछ होली में कलर्स भी ऐसे होते हैं जो एक बार लगाने के बाद महीनों नहीं छूटते हैं, तो मैं यही गुजारिश करूंगा भाई होली खेलिए, अच्छा त्यौहार है, रंगों वाला त्यौहार है, लेकिन रंगों की तरह ही खेलिए इसको, ज़्यादा कुछ लोग ड्रिंक भी कर लेते हैं और ड्रिंक करके जिस तरह सड़कों पर उधम मचाते हैं, तो ये सब मत कीजिए, आप ही लोग का नुकसान होगा, आपकी अपनी लाइफ है, होली बहुत प्यारा त्यौहार है, उसको प्यार की तरह ही मनाइए, बस मैं आप लोग को यही कहूँगा। कुछ फैन से कहना चाहेंगे होली के लिए, शुभकामनाएं देंगे कुछ? बिल्कुल है, और आज इसका आइटम सॉन्ग शूट हो रहा है, फिल्म तो पूरी हो चुकी है, हमने मिर्ज़ापुर में शूटिंग की थी इसकी, और काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशन थी और हमने बढ़िया तरीके से शूट किया था उसको, तो आज बहुत दिन बाद आइटम सॉन्ग इसका हो गया, तो अच्छा लग रहा, मज़ा आ रहा है। स्पेशल गाना इसमें ऐड किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए इसमें, कितना अलग हट के होगा म्यूजिक? और जब स्पेशल गाना है तो जाहिर है कुछ ना कुछ बेहतर होगा और अच्छा बना है, देखते हैं कितना पर्दे पर कितना खिल के आता है, गाना अच्छा बना है वैसे। अब तक जो इस फिल्म की शूटिंग हुई है मिर्ज़ापुर, एक अलग लोकेशन, गांव देहात, गंगा जी का कछार, क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा रहा? नहीं, जिस टाइम पे शूटिंग हुई बड़ा टाइम भी बहुत अच्छा था, अक्टूबर में हमने शूट किया था और वाकई बहुत खूबसूरत आया, अलग अलग लोकेशन हैं और जो कहानी के हिसाब से जो जुड़ के आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है स्क्रीन पर। आपके किरदार की बात कीजिए, कितना डिफरेंट होगा? डिफरेंट तो है, अलग करने की कोशिश करता हूँ हमेशा, तो इस बार भी कुछ अलग है। बिजनेसमैन है एक, और किस तरह से वो चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, किस तरह से वो कहानी का जो ताना बाना है, उस हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव? एकदम से नेगेटिव नहीं है, एकदम से पॉजिटिव नहीं है, ग्रे कैरेक्टर है, और बाद में फिर चीज़ें खुलती हैं जब, तो पता चलता है कि क्या है जी। फिल्म के डायरेक्टर की बात की जाए तो क्या कहना चाहिए? फिल्म के डायरेक्टर जो हैं वो सूरज गिरी हैं, उसके पहले इन्होंने काफ़ी फिल्मों में सहायक किया है और बड़े मेहनती इंसान हैं, अपना काम जानते हैं और बखूबी जानते हैं, और क्या करवाना है ये उनके जहन में बहुत ही साफ और क्लियर है, तो हमें भी अच्छा लगता है। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात किया जो कि भोजपुरी सिनेमा में एक अलग सिनेमा मतलब बेहतरीन हो, और जो भोजपुरी सिनेमा के ऊपर आरोप लगते हैं उसे काफ़ी अलग हट बनाने की कोशिश किया उन्होंने। प्रोड्यूसर के बारे में तो ये कहूँगा, जब भी फिल्म चल रही थी तो उनकी एक दूसरी फिल्म और चल रही थी, तो वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि दो दो फिल्म एक साथ शूट कर रहे थे, और इस हमारे सेट पर तो लगभग थे भी नहीं, तो उनके चलते कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि वो उनको प्लानिंग मालूम थी और उन्होंने सब कुछ एग्जीक्यूट अच्छे से किया, जिसका रिजल्ट ये कि अच्छी फिल्म उनके हाथ में है। तो मेरा तो पहला अनुभव रहा, लेकिन बड़ा अच्छा अनुभव रहा पब्लिक के साथ और बड़ा मज़ा आया। इस फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, फिल्म रिलीज होगी तो? दर्शकों से क्या कहना, दर्शकों से यही कहूँगा कि अपना प्यार और उड़ेल के दें और जाके अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में पिक्चर देखें, यूट्यूब पे इंतज़ार ना करें, तो सिनेमा का मज़ा पर्दे पे ही, बड़े पर्दे पे ही जी। और भोजपुरी सिनेमा को लेके क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से फिल्में बन रही हैं, जिस तरह से सिनेमा का एक अलग दौर चल रहा है? देखिए, हर इंडस्ट्री में, इसके पहले भी जब फिल्म आई थी, VCR आया था, लोगों ने कहा था कि सिनेमा बंद हो जाएगा, CD आई थी तो लोग, हाँ एक एक छोटा सा एक ब्रेक आया है, बिजनेस उतना नहीं हो रहा जितना एक्सपेक्टेड था, लेकिन धीरे धीरे ये भी है कि किन्हीं कारणों की वजह से चीज़ें एकदम से हॉल फॉल हो गई थी, और किन्हीं कारणों की वजह से अब उन्हीं कारणों की वजह से फिल्में ठीक बन रही हैं, तो जब फिल्में अच्छी बनेंगी तो लोग आएंगे और मल्टीप्लेक्स में जाएंगे, तो फिर तो खेल ही अलग होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप बताना चाहिए आपकी रिसेंटली कौन सी फिल्म अभी रिलीज हुई जिसमें ज़्यादा धमाल? रिसेंट तो अभी मेरी लल्लू की लड़ाई हुई थी, और उसके बाद फिर मैंने एक दो फिल्में की थी, अभी रिलीज़ नहीं हुई, तो रिलीज होंगी तो बताऊँगा, फिलहाल तो डेली फिल्म में बिजी। आने वाली फिल्में कौन कौन जो आपके दिल के ज़्यादा करीब हैं? दिल के ज़्यादा करीब वाली अभी तो कोई ऐसी दिख, दो फिल्में हैं अभी शूट बाकी है उनका, एक तो दलदल आने वाली फिल्म, काफ़ी दिन से हमने की थी,
वो है। एक और अभी फिल्म मैं अप्रैल में करूँगा, पंजाब में है, यूपी पंजाब एक्सप्रेस, वो बहुत प्यारी फिल्म है जी। तो एक दो फिल्म है अभी भोजपुरी सिनेमा में, जैसे कि बीच में जो फिल्मों के अलावा और भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे भी आईपीएल मैच हुआ और अभी भोजपुरी होली सम्मेलन हुआ, तो क्या कहना चाहिए इस तरह से जो कार्यक्रम होते हैं? देखिए भोजपुरी मेल समारोह तो पिछले साल भी रितेश जी ने करवाया था, इस साल मैं दुर्भाग्य से नहीं पहुंच पाया, शूट था मेरा। एक उनका सफल आयोजन था जिसमें हम सब लोग मिलते हैं एक बार त्यौहार के नाम। रहे बात बीआईपीएल के, तो बीआईपीएल तो एक अपने आप में एक ऐसा वार्षिक हम लोग का एक तरह से कहेंगे ना कि हम सबके लिए एक रीयूनियन की तरह होता है। मतलब 60 खिलाड़ी तो ऐसे ही हो गए टीम में, तो बाकी मैनेजर वगैरह मिला के, तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जो सीसीएल नहीं खेल पाता था, जो टेक्नीशियंस थे, जो डायरेक्टर्स थे, बाकी जो लोग थे जिनको था कि क्रिकेट हम भी खेलेंगे, तो उनके लिए हमारे जो चेयरमैन हैं प्रवेश लाल यादव जी ने बड़ा बेहतरीन प्रयास शुरू किया। और एक चौथा प्रयास था, चौथा सीज़न था बीआईपीएल का, बड़ा शानदार रहा, इकाना स्टेडियम में हम खेले। और मैं तो कहूँगा कि 4 दिन के लिए एक भरपूर पिकनिक था मेरे लिए, खूब खेला, खूब इन्जॉय किया और मज़ा आया, और ये कंटिन्यू रहना चाहिए। और प्रवेश जी सही में बधाई की पात्र हैं। पहली बार भोजपुरी चैनल जुड़ा जो कि पूरे मैच को लाइव दिखा रहा था, डिज़ोन टीवी चैनल, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मैं खुद ही देख रहा था, जब हमारे मैच नहीं होते थे या कभी हम होटल में रहते थे तो मैं डिज़ोन पे ही देखता था। बहुत बढ़िया कवरेज कमेंट्री के साथ साथ, और हमारे जो बीच बीच में स्पोर्ट्स जाते थे कमेंट्री के लिए, तो बिल्कुल हमें एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मैच की ही फीलिंग थी, सब कुछ वैसा था, बस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय नहीं थे, बाकी सुविधाएँ और चीज़ें सब अंतर्राष्ट्रीय थी जी। मनोज तिवारी जी की टीम विजयी हुई भोजपुरी टाइगर्स। हाँ, पिछले साल तो मैं भी उस टीम में था, इस बार मनोज जी की टीम फिर से विजेता हुई, तो उनके लिए बधाई। और हमारे कैप्टन रहे सीसीएल में हैं, और आज भी इस भागदौड़ के जीवन में समय निकाल रहे हैं क्रिकेट के लिए, और समय निकाल के अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब कहीं ना कहीं बिजी होकर अच्छा क्रिकेट खेल ले रहे हैं, और मनोज जी का तो मतलब इनबिल्ट है, क्रिकेट के नाम पे वो कभी भी चले आते हैं। आजकल जो है एक जो वायरस के बड़ा तेज़ी से चर्चा है, और भारत में भी कई मरीज पाए गए हैं कोरोना वायरस, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए बीमारियां ऐसे हवा में फेंक दी जाती हैं, ठीक है वायरस ही है, इसके पहले सार्स भी फैला था, कितने लोग मरे थे, लेकिन इस हवे से ज़्यादा लोग मर रहे हैं, ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, आम चीज़ें हैं, अपने हाथ को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, और गर्म चीज़ों का सेवन करें, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। चलते चलते और क्या कहना चाहेंगे कुछ अपने मन की बातें? मन की बात यही है कि सबसे आग्रह करूंगा कि YouTube पे फिल्म आती है देखें, ज़रूर देखें, आजकल तो एक ही दिन में मिलियन व्यूज़, 5 मिलियन व्यूज़, 10 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये तो हम कभी भी देख सकते हैं। लेकिन सिनेमा का जो मज़ा है, मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा पर्दे पे देखें, और अच्छी फिल्म को प्लीज़ प्रमोट करें, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो फिर अच्छी फिल्में नहीं बनेंगी, और फिर से वही ढर्रा शुरू हो जाएगा जो आप नहीं देखना चाहते तो देखना पड़ा जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। We'll be right back.
the bell icon on the YouTube app and never miss another update.